सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लिहाजा टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई। शायद ही आपने आज से पहले ऐसी बल्लेबाजी टीम इंडिया के द्वारा देखी होगी, या यूं कहा जाए कि मैदान के अंदर सिर्फ छक्कों की बरसात दिखी। हर बल्लेबाज ने आते ही ऐसे जौहर दिखाए कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई मौका ही नहीं रहा। नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर 202 रन बना दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 55 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 शानदार छक्के देखने को मिले। उसके अलावा अगर शिखर धवन की बात की जाए तो उन्होंने भी 80 रन बनाए, लेकिन 52 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के दिखे। उसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की अगर बात की जाए तो उन्होंने नाबाद 26 रन बनाए 11 गेंदों पर और चौका एक भी नहीं लगाया, लेकिन छक्के लगाए 3। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ने भी 2 गेंदें खेली, लेकिन आते ही 1 छक्का जरूर ठोक दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड की कमर तोड़ कर रख दी। न्यूजीलैंड की ओर से सोढ़ी को 2 विकेट मिले, वहीं बोल्ट को 1 विकेट हाथ लगा। इसके अलावा बाकी गेंदबाज सिर्फ पिटने आए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीम इंडिया की सुपर बल्लेबाजी देखने को मिली। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही क्रिकेट की लगातार अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।